खबरें अब तक पावर्ड बाय फ्लाई अपीरन द जर्नी बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव, आप सभी का स्वागत है खबरें अब तक में। खबरें अब तक में आज बात होगी योगी सरकार के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को दिए गए बड़े तोहफे की, मोदी सरकार के ड्रोन दीदी योजना की और देश के अलग अलग क्षेत्रों में छाए आदमखोर जानवरों के आतंक की। साथ ही आज की सभी मुख्य घटनाओं पर चर्चा करेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। अयोध्या में रेप पीड़िता से मैच हुआ, नवाब सिंह यादव काडिया ने लड़की की बुआ भी आरोपी। यूपी के कन्नौज में नाबालिग से रेप केस में फंसे पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नवाब का रेप पीड़िता के साथ डीएनए सैंपल मैच हुआ है, इसी के साथ नाबालिग लड़की से बलात्कार की पुष्टि हो गई है। फॉरेंसिक टेस्ट रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। स्वाति मालीवाल से बदसलूकी मामले में विभा कुमार को राहत, सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल बदसलूकी मामले में जेल में बंद विभा कुमार को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ विभव को जमानत दे दी है। योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई, 24 डॉक्टरों को किया बर्खास्त। यूपी की योगी सरकार ने चिकित्सकों पर बड़ी कार्रवाई की। यूपी के स्वास्थ्य विभाग में बड़ी कार्रवाई करते हुए योगी सरकार ने 26 चिकित्सकों की बर्खास्तगी के निर्देश दे दिए हैं। डॉक्टरों पर यह बड़ी कार्रवाई कर्तव्यों के प्रति लापरवाही और ड्यूटी से लगातार गैर हाजिर रहने के कारण की गई। 23 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे विजय नायर, सीबीआई के बाद अब ईडी केस में मिली बेल। दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के पूर्व मीडिया प्रभारी और आरोपी विजय नायर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी मामले में विजय नायर को जमानत दे दी है। शेयर बाजार में मजबूती बरकरार, सेंसेक्स 194 अंक चढ़ा, निफ्टी 25,250 के ऊपर बंद। घरेलू शेयर बाजार में हफ्ते के पहले कारोबारी दिन हरे निशान पर क्लोजिंग हुई। सेंसेक्स 194 अंकों की बढ़त के साथ 82,560 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 43 अंक मजबूत होकर पहली बार 25,278 के स्तर पर बंद हुआ। तो ये थी आज की हेडलाइंस, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको आज की वायरल वीडियो से रूबरू करा देते हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक अपनी प्रेमिका से मिलने बुर्का पहनकर उसके मोहल्ले में पहुंच गया। प्रेमिका के मिलने से पहले ही इलाके के लोगों को बुर्का पहने युवक की चाल ढाल देखने से शक हो गया और उन्होंने संदिग्ध युवक को रोककर उसका नकाब खुलवाया तो हैरान रह गए। लोगों ने इसे चोर समझकर पिटाई कर दी। आप भी देखिए ये वीडियो। वही इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तलाशी के दौरान युवक के पास से एक तमंचा भी बरामद हुआ है। लोगों ने उसे पुलिस को सौंप दिया है। इस घटना की इलाके में चर्चा बनी हुई है। फिलहाल खबरें अब तक में बात करते हैं अपनी पहली खबर के बारे में। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर यानी जो लोग सोशल मीडिया पर जानकारी देने और लोगों को जागरूक करने वाली रील बनाते हैं, वो अब मालामाल होने वाले हैं। जी हाँ, योगी सरकार ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को बड़ी सौगात दी है। योगी सरकार फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाने वाले और इन्फ्लुएंसर्स को उनके सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स के आधार पर हर महीने लाखों रुपए देगी। ये राशि 30,000 से 8,00,000 रुपए तक होगी। बता दें कि योगी कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत ये फैसला किया गया है। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि आपको ये पैसे मिलेंगे कैसे, तो
तो चलिए आपको विस्तार से इस योजना के बारे में बताते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने ऐलान किया है कि वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरों को मालामाल कर देगी। जी हाँ, 8 लाख रुपए महीने तक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कमा सकेंगे। कमाई की मिनिमम लिमिट भी 2 लाख रुपए रखी गई है। खास बात यह है कि इस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरों को सरकार का गुणगान करना होगा, सरकारी योजनाओं की जानकारी देनी होगी। वैसे योगी सरकार ने प्रस्ताव में ये बात भी रखी है कि अगर किसी ने राष्ट्र विरोधी बातों का प्रसार किया तो पैसे छोड़िए जेल भी जाना पड़ सकता है। यूपी सरकार नई सोशल मीडिया पॉलिसी में राष्ट्र विरोधी कंटेंट डालने पर 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। इसके लिए बाकायदा रजिस्ट्रेशन भी किया जाएगा। बता दें, यूपी से पहले राजस्थान में भी इस तरह की पॉलिसी आई थी, तब अशोक गहलोत वहां के मुख्यमंत्री थे। अब आप सोच रहे होंगे कि आपको ये पैसे कैसे मिलेंगे, इसके लिए क्या क्या करना होगा, तो आपको बता दें, विज्ञापन के लिए आप तभी योग्य माने जाएंगे जब आपका चैनल प्लेटफॉर्म 2 साल से अस्तित्व में हो और साथ ही दस्तावेज भी अपडेटेड हो। विज्ञापन के लिए आप तभी योग्य माने जाएंगे जब आप पर किसी भी तरीके का कोई आपराधिक मामला दर्ज ना हो और साथ ही आपको शपथ पत्र देना होगा। रजिस्टर्ड करने के लिए आपको 6 महीने की डिजिटल मीडिया एनालिटिक्स रिपोर्ट देनी होगी। आपके पास वीडियो पोस्ट या कंटेंट आदि बनाने के लिए खुद के शूटिंग से जुड़े हर एक उपकरण आपके पास होने चाहिए। होल्डर्स, ऑपरेटर्स, डिजिटल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट राइटर या इनसे संबंधित एजेंसी फर्म को रजिस्टर्ड किया जाएगा। तो चलिए आपको ये भी बता देते हैं कि इस पॉलिसी के तहत विज्ञापन का लाभ लेने के लिए कंटेंट प्रोवाइडर को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। तो आपको बता दें, इसे 4 श्रेणियों में बांटा गया है। फेसबुक की 4 कैटेगरी। कैटेगरी ए, सब्सक्राइबर फॉलोअर्स 10 लाख, न्यूनतम वीडियो 10 या 20 पोस्ट। कैटेगरी बी, सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स 5 लाख, वीडियो 8 या 16 पोस्ट। कैटेगरी सी, सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स 2 लाख, वीडियो 6 या 12 पोस्ट। कैटेगरी डी, सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स 1 लाख, वीडियो 5 या 10 पोस्ट। एक्स की 4 कैटेगरी। कैटेगरी ए, सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स 5 लाख, न्यूनतम वीडियो 15 या 30 पोस्ट। कैटेगरी बी, सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स 3 लाख, वीडियो 12 या 30 पोस्ट। कैटेगरी सी, सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स 2 लाख, वीडियो 10 या 20 पोस्ट। कैटेगरी डी, सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स 1 लाख, वीडियो 8 या 15 पोस्ट। इंस्टाग्राम की 4 कैटेगरी। कैटेगरी ए, सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स 5 लाख, वीडियो 5 या 30 पोस्ट। कैटेगरी बी, सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स 3 लाख, वीडियो 12 या 30 पोस्ट। कैटेगरी सी, सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स 2 लाख, वीडियो 10 या 20 पोस्ट। कैटेगरी डी, सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स 1 लाख, वीडियो 8 या 15 पोस्ट। यूट्यूब की 4 कैटेगरी। कैटेगरी ए, सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स 10 लाख, वीडियो 12। कैटेगरी बी, सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स 5 लाख, वीडियो 10। कैटेगरी सी, सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स 2 लाख, वीडियो 10। कैटेगरी डी, सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स 1 लाख, वीडियो 8। जाहिर है, अगर आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं तो ये बात आपको भली भांति पता होगी कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की कोई राजनीतिक लाइन नहीं होती। जो लोग एंटरटेनमेंट के लिए कंटेंट बनाते हैं उन्हें तो इस योजना का जमकर फायदा मिलेगा, लेकिन जो लोग राजनीतिक सामाजिक कंटेंट के नाम पर पार्टी विशेष व्यक्ति विशेष के लिए काम करते हैं और मौका पाते ही दूसरी तरफ पलट जाते हैं, वो इस योजना से ज़रूर एक्सपोज हो जाएंगे। वैसे हम इस कदम को इस नज़रिए से भी देख सकते हैं कि सोशल मीडिया पर यूपी को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है। उन सब पर तो सरकार की नज़र रहेगी ही, साथ ही राष्ट्र विरोधी तत्वों की पहचान में भी इस कदम से मदद मिल सकती है, जिसका फायदा सरकार को होगा। वैसे अगर आप भी सोशल मीडिया पर रील बनाते हैं तो आपके लिए भी ये अच्छा मौका है पैसे कमाने का।
खैर चलिए इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़िए लखीमपुर खीरी जिले में बाघ के बाद अब कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में तेंदुए की एंट्री हो गई है, जहां बहराइच जिले में आदमखोर भेड़ियों की वजह से 35 गांव में आतंक है। वहीं लखीमपुर खीरी में बाघ दिखाई देने के बाद 50 गांव के लोग दहशत में हैं, जबकि बेंगलुरु में तेंदुआ दिखाई देने के बाद शहर के लोगों में खौफ है। उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक आदमखोर जानवरों की वजह से अलग अलग शहरों से खौफ की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बहराइच जिले के 35 से ज्यादा गांव में भेड़ियों का आतंक ऐसा है कि इन गांव में लोग रात रात भर जाकर रखवाली कर रहे हैं। भेड़ियों का झुंड 9 बच्चों समेत 10 लोगों का शिकार कर चुका है। इन आदमखोरों के हमले में 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। वन विभाग की 25 टीमें इन भेड़ियों को पकड़ने में जुटी हुई है। प्रशासन और वन विभाग का कहना है कि इन इलाकों में 6 भेड़िए ही थे, जिनमें से 4 भेड़ियों को पकड़ा जा चुका है, जबकि गांव वालों का कहना है कि यहां करीब 20 से 25 भेड़ियों का झुंड घूम रहा है और छोटे बच्चों महिलाओं को निशाना बना रहे हैं। इतना ही नहीं, लोगों की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस और पीएसी के जवानों को तैनात किया गया है। इस बीच लखीमपुर खीरी जिले के 50 से ज्यादा गांव दहशत में हैं, क्योंकि यहां बाघ दिखाई दिया था। वन विभाग की टीमें लगातार बाघ की तलाश में जुटी हुई हैं। यहां पिंजरे के पास लगे कैमरे में बाघ की मूवमेंट रिकॉर्ड हुई थी। बीते अगस्त महीने में इस आदमखोर बाघ ने 5 लोगों पर हमला किया, जिनमें से 4 लोगों की मौत हो गई। उसके बाद से ही जंगल से सटे गाँव के लोगों में डर और दहशत है। तो वहीं बेंगलुरु के बाहरी इलाके जिगनी में रविवार सुबह करीब 3 बजे एक तेंदुआ देखा गया, जिसकी वजह से इलाके में रहने वाले लोगों के बीच दहशत फैल गई है। तेंदुआ सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है और वह इलाके में घूमता नजर आ रहा है, जिसको देखते हुए सभी इलाकों में वन विभाग मुस्तैद है और इन आदमखोरों को पकड़ने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। फिलहाल इन खबरों के अलावा एक नजर आज की उन खबरों पर भी डाल लेते हैं जो पूरे दिन चर्चा का विषय बनी रही। अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में उन्हें जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विभव कुमार 100 दिन से न्यायिक हिरासत में है। मामले में आरोप पत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है। ट्रायल पूरा होने में अभी वक्त लगेगा, ऐसे में जमानत देना बाधक नहीं होगा। वहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों और किसानों की आय के लिए 7 बड़े फैसलों को मंजूरी दी है, जिसमें 2,817 करोड़ रुपए के परिव्यय वाला डिजिटल कृषि मिशन और खाद्य पोषण सुरक्षा के लिए 3,979 करोड़ रुपए की योजना शामिल है। वहीं जम्मू कश्मीर के कटरा में स्थित पवित्र माता वैष्णो देवी मंदिर के मार्ग पर एक बड़ा हादसा हुआ है। सोमवार दोपहर करीब 2:30 बजे भूस्खलन की एक घटना में पत्थरों और मलबे के गिरने से कम 3 तीर्थयात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने शराब घोटाले मामले में कारोबारी और आम आदमी पार्टी के पूर्व कम्युनिकेशन हेड विजय नायर को सोमवार को जमानत दे दी। कोर्ट ने लंबे समय तक जेल में रहने और ट्रायल में देरी को कारण बताते हुए उन्हें राहत दी है। वहीं यूपी के कन्नौज में नाबालिग से रेप केस में फंसे पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नवाब का रेप पीड़िता के साथ डीएनए सैंपल मैच हुआ है। इसी के साथ नाबालिग लड़की से बलात्कार की पुष्टि हो गई है। वहीं महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पुणे नगर निगम एनसीपी के पूर्व पार्षद वनराज आंदेकर की रविवार रात कुछ अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुणे पुलिस के मुताबिक उन पर धारदार हथियारों से भी हमला किया गया है। ये तो थी हमारी आज की वो खबरें जो पूरे देश में काफी सुर्खियों का विषय बनी हुई हैं। लेकिन जाते जाते आपको एक और अहम मुद्दे से रूबरू करा देते हैं। 2012 का दिल्ली निर्भया बलात्कार हत्याकांड तो आपको याद ही होगा, जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। लोग पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतर आए थे। वहीं 12 साल बाद एक बार फिर वही घटना दोहराई गई। जी हाँ, कोलकाता में महिला ट्रेनी डॉक्टर से हुई रेप और हत्या की घटना ने निर्भया कांड की याद दिला दी है। दोनों केस में बस फर्क इतना है कि 2012 की निर्भया को इंसाफ मिला था और आज 2024 की निर्भया इंसाफ पाने के लिए भटक रही है। मानो कानून इन अपराधियों के आगे नतमस्तक है। बता दें, कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में
ट्रेनी डॉक्टर की रेप और हत्या के मामले में पश्चिम बंगाल में जिस तरह की राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं, उससे हर कोई भयभीत नहीं तो चिंतित अवश्य लग रहा है, क्योंकि ये सब कुछ भारत की सांस्कृतिक राजधानी कहे जाने वाले कोलकाता में घट रहा है, जिससे देर सवेर हमारी संस्कृति भी अछूती नहीं बचेगी। लिहाजा सुलगता हुआ सवाल ये है कि आखिर में ऐसी बदसूरत घटनाएं कब तक थमेंगी? किसी भी बड़ी या छोटी लापरवाही के बाद जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय नहीं करता है, और यही वजह है कि सत्ताधारी वर्ग मजे में रहता है और जनता बिल्कुल अनाथ की मानिंद। इसलिए अक्सर ये सवाल जहन में उठता है कि आखिर में क्यों नहीं उस वैकल्पिक प्रशासनिक व्यवस्था पर विचार किया जाए, जहां इस तरह की जघन्य अपराध करने की हिमाकत ही कोई ना कर पाए। क्या ये संभव है? ये सवाल हमारा आपसे भी है, इस पर विचार जरूर करिएगा और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, जाते जाते हम आपको छोड़ जाते हैं आज के सुविचार के साथ। नमस्कार। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला व्यक्ति ही अपने जीवन को सफल बनाता है।